हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम को वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशित वस्तुएं कुछ दूरी पर रखी जाएं तो ये वस्तुएं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं। यदि दोनों वस्तुएं धनावेशित हों तो परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं। यदि दोनों वस्तुएं ऋणावेशित हों तो परस्पर प्रतिकर्ष करती हैं। माना पहली वस्तु प्लस क्यू वन आवेश से आवेशित है तथा दूसरी वस्तु माइनस क्यू टू आवेश से आवेशित है, तो इनके मध्य कार्य करने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। अगर फिर से हम देखें, पहली वस्तु प्लस Q1 आवेश से आवेशित तथा दूसरी वस्तु प्लस Q2 आवेश से आवेशित हो तो इनके मध्य कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। यदि पहली वस्तु माइनस Q1 आवेश से आवेशित तथा दूसरी वस्तु माइनस Q2 आवेश से आवेशित हो तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसा आप जानते हैं, बल एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि हम आवेश Q1 के मान को बढ़ाएं तथा आवेश Q2 के मान को अपरिवर्तित रखें तो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल बढ़ता है। यदि हम आवेश Q1 के मान को घटाएं तथा Q2 के मान को अपरिवर्तित रखें तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल घटता है। ठीक इसी प्रकार आवेश Q1 के मान को अपरिवर्तित रखते हुए Q2 के मान को बढ़ाने पर बल का मान बढ़ता है तथा Q2 के मान को घटाने पर बल का मान घटता है। तो कुलाम नियम के अनुसार आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेश Q1 तथा आवेश Q2 के समानुपाती होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यदि हम आवेशों को निकट लाते हैं तो बल का मान बढ़ता है तथा आवेशों को दूर ले जाने पर बल का मान घटता है। यदि दोनों आवेशों के मध्य दूरी स्मॉल r हो तो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल हर माध्यम में समान नहीं होता है। माध्यम बदलने पर इस बल के मान में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुएं हवा में रखी जाएं या वस्तुएं जल में रखी जाएं, दोनों स्थितियों में बल का मान अलग अलग होगा। बल के मान में माध्यम के कारण परिवर्तन एक नियतांक द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसे K से दर्शाया जाता है। तो अब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान Q1 गुणा Q2 बटा K गुणा R स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कुलाम, दूरी का मात्रक मीटर तथा बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ नियतांक K का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो अब आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का मान Q1 गुणा Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
आर स्क्वायर के बराबर होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान 8.854 गुणा 10^-12 फैरड प्रति मीटर होती है, तथा एप्सिलॉन आर माध्यम की विद्युतशीलता होती है, जो मात्रकहीन है।